स्थित साउथ वेस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की ओर से देश के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आजादी अमृत सप्ताह मनाया गया। पूरे देश में देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस आजादी में देश के सैनिकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। आज की पीढ़ी को इस बात की जानकारी हो, उनके मन में देश के प्रति जज्बा निर्माण हो, इस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर शहर के सोनेगांव स्थित साउथ वेस्ट स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की ओर से आजादी का अमृत सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह में स्कूल की ओर से सैनिकों के साथ रक्षाबंधन, शहर के मुख्य पुलिस मुख्यालय भेंट में और देशभक्ति गायन एवं नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को स्कूल के सभी छात्रों ने पाम पेंटिंग कर अपने हाथों से तिरंगा साकार किया। इस कार्यक्रम में छात्रों के परिजन भी उपस्थित थे। गुड मॉर्निंग, आई एम मिसेस सीमा सोनडक्के, द प्रिंसिपल फॉर साउथ वेस्ट कॉन्वेंट एंड जूनियर कॉलेज। टुडे 12th August 2022 वी हैव सेलिब्रेटेड अ पाम प्रिंटिंग एक्टिविटी। एज इफ फ्रॉम 8th August to 13th August वी हैड प्लान्ड आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड वी हैड 2 to 3 इवेंट्स ऑन 10th, 11th एंड टुडे वी हैड अ पाम प्रिंटिंग एक्टिविटी which is a activity for the students, the teachers, the parents and the grandparents so that they can come and celebrate with us that what sacrifice our soldiers, our great freedom fighters have done for the country. And we had a small program shortened with all the patriotic songs and some speeches from the students wherein they showed their contribution for developing the society, because today's students are going to be the tomorrow citizens. So with this activity we have made जिसे हम कहते हैं ना कि एक जज्बा उनमें हमने दिया है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो कल हमारे भविष्य है। सो उनमें एक आज़ादी का जो जुनून है वो हमने आज जगा दिया है। वंदे मातरम। मी श्रीकांत दौड़, पालक प्रतिनिधि, साउथ वेस्ट कॉलनी कॉन्वेंट आणि जुनियर कॉलेज। आज येथील प्रिंसिपल मैडम ने जो पाम प्रिंट का जो एक कार्यक्रम घेतला आज़ादी का अमृत महोत्सव या अंतर्गत, यामध्ये मुलांना राष्ट्राप्रति प्रेमाचा जो जज्बा असतो तो जागृत करण्याकरता एक प्रेरणा मिळालेली आहे। असंच सतत ही राष्ट्रप्रेमाची ज्योत जळत राहावी विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये, कारण की हे आपल्या राष्ट्राचे भविष्य आहे। याकरता जो कार्यक्रम यांनी अरेंज केला मला खूप आनंद झाला, आणि असेच कार्यक्रम नेहमी यांनी आयोजित करत राहावे जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये राष्ट्राप्रती प्रेम जागृत राहिलं पाहिजे, आणि आपल्या या वीरांनी बलिदान देऊन जे स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आहे त्याचं जुनून नेहमी सतत आपल्या मनामध्ये राहिला पाहिजे। जय हिंद। मेरा नाम संदीप दवे है, मैं यहाँ पर मिडल लेवल मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। आज 12 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान हमने यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम के गाइडेंस में बहुत ही अच्छा पाम प्रिंटिंग रखा है। तो इसमें सभी पेरेंट्स ने, सभी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स ने और उनके इवन बहुत सारे लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हैं, उन्होंने सभी लोगों ने पाम प्रिंटिंग की जो एक्टिविटी है उसमें सहभाग किया है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, उनको सबको आनंद आया है। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत उनकी जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर प्रदर्शित की है, और ये पूरा जो सप्ताह है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत सारे आयोजन किए हैं। अभी 15 तारीख को भी उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन कार्यक्रम रखा है जहाँ पर उन्होंने अपने किए खुद के द्वारा निर्माण किए हुए सभी चीज़ों का प्रदर्शन ही रखी जाएगी। तो ये सब के लिए हम लोग बहुत उत्साहित है और हम चाहते हैं कि और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो, और ये सभी कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल के जो कंट्रीब्यूशन और जो एफर्ट है ये उसके द्वारा पॉसिबल हुआ है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने भी इसमें जो कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पेरेंट्स ने जो इन्वॉल्वमेंट दिखाकर इसको सक्सेस बनाया है उसके लिए हम लोग बहुत ही हम लोग धन्यवाद देते हैं इन सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद। माय नेम इज रीना शेंडे। आज हमारे स्कूल में 15 अगस्त के मौके पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, हमने बहुत एंजॉय किया। पाम प्रिंटिंग हुआ, सॉन्ग्स बोले हमने और डांसिंग हुआ, और पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया। तो
थैंक यू। माय नेम इज़ मोहिनी बाटकर। हमारे स्कूल में बहुत सारा एक्टिविटी हो रही है, नई प्रिंसिपल मैम आई है तो वो भी बहुत अच्छे से सब कर रही है, और आज हमारे स्कूल में प्लम प्रिंटिंग का एक्टिविटी हुई तो सब पेरेंट्स आए और बहुत हमने सब अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए, सब ने डांस किया, गाने सॉन्ग्स गाए, पेट्रियाटिक डांस भी किया और बहुत सारे पेरेंट्स आए तो सब ने प्लम प्रिंट भी किया सबका और बहुत मज़ा आया। मेरा नाम आर्यन केदार और हमारे स्कूल में आज पाम प्रिंटिंग डे था और हमने आज वाइट कपड़े पे फ्लैग बनाया हाथ से और हमारी प्रिंसिपल मैम हमारे लिए बहुत एक्टिविटीज़ करती है और हम कल पुलिस विभाग सेंटर में गए थे और हमने वहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए और जैसे पुलिस क्या काम करती है हमने वो भी सीखा कि पुलिस क्या काम करेगी और जब टेररिस्ट वगैरह कुछ आते हैं तो हमारी पुलिस हमारे लिए क्या करते हैं तो हमने वो भी देखा। स्कूल की ओर से आयोजित इस विविध कार्यक्रमों में छात्रों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला, साथ ही स्कूल की ओर से आयोजित इन कार्यक्रमों में छात्रों ने भी अपनी कलाकारी बखूबी निभाई। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।